आईपीएल के 15वें सीजन में एक से बढ़कर एक पारियां देखने को मिल रही हैं। इस बीच टक्कर अब बराबरी की होते जा रही है। मजा दोगुना हो जाता है जब एक ही दिन में एक नहीं बल्कि डबल डोज का रोमांच दर्शकों को देखने को मिल जाए। जी हाँ, आईपीएल 2022 में आज शनिवार का दिन डबल हेडर का दिन होगा। दिन का पहला मुकाबला 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा, तो वहीं दूसरा मुकाबला गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। शनिवार 2 अप्रैल को इंडियन प्रीमियर लीग के दूसरे डबल हेडर के पहले मुकाबले में रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस का सामना संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स से होगा। मुंबई दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पहला मैच हार चुकी है, जिसके बाद एक जीत हासिल कर टूर्नामेंट में खाता खोलना चाहेगी। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में जीत के बाद राजस्थान के हौसले बुलंद होंगे। राजस्थान टीम के पहले मुकाबले के दौरान बल्लेबाजी में कप्तान सैमसन के अलावा जॉस बटलर, देवदत्त पड्डिकल और हिटमैन ने अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं टीम के गेंदबाज का फॉर्म भी शानदार रहा। युजवेंद्र चहल और प्रसिद्ध कृष्णा के साथ कीवी तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें पैदा कर दी। राजस्थान टीम से दूसरे मुकाबले में इसी तरह के ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद होगी। दूसरी ओर मुंबई के लिए पहले मैच में ईशान किशन और कप्तान रोहित शर्मा के अलावा कोई बल्लेबाज खास कमाल नहीं दिखा पाए। हालांकि तिलक वर्मा और टीम डेविड ने छोटी लेकिन प्रभावशाली पारियां खेली थी, लेकिन अगर मुंबई को राजस्थान के खिलाफ मैच में जीत हासिल करनी है तो मध्यक्रम बल्लेबाजों को अपनी जिम्मेदारी दिखानी होगी। पहले मुकाबले में मुंबई का गेंदबाजी अटैक भी खास प्रभाव नहीं डाल सका। टीम के प्रमुख गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 3.2 ओवर में 43 रन देकर एक विकेट भी हासिल नहीं कर पाए। वहीं डैनियल सिम्स ने 4 ओवर के स्पेल में 57 रन लुटाए। हालांकि बेसिल थम्पी और मुरुगन अश्विन ने टीम को विकेट दिलाए, लेकिन आईपीएल जैसी टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए मुंबई को संतुलित गेंदबाजी अटैक का प्रदर्शन करना होगा। हालांकि मुंबई इंडियंस के लिए अच्छी खबर यह है कि मुंबई इंडियंस टीम के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव आईपीएल के 15वें सीजन में आगाज के लिए तैयार है। अपनी उंगली की चोट से उबरने के बाद सूर्य कुमार यादव राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच से पहले आ चुके हैं। मुंबई टीम ने सूर्य कुमार यादव की तस्वीर शेयर करते हुए यह जानकारी साझा की। अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या हार के बाद मुंबई करेगी पलटवार या राजस्थान दोबारा लहराएगी जीत का परचम।